हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दीज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। द एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The center of every atom is called nucleus. The portion surrounding the nucleus is made up of energy levels called cell or orbits. There are three types of subatomic particles. Okay. First, proton. Second, न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, नाउ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इट इज मेड अप ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स नेम्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, मतलब ये जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस का, ओके, जो सेंट्रल पार्ट होगा इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। और इसमें क्या क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, ओके, इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा? वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के, ऐसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, रिवॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ दो चीज़ ध्यान देना होगा कि थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होंगे। ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिवॉल्व करेंगे। ओके, अब जिस पाथ पर ये रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिस अगर ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, ओके, दीज पाथ आर कॉल्ड सेल। ये क्या होगा? ये सेल है जिसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ओके, हेंस देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम बात करें जो चार्जेज हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जो प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, नाउ एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर हम बात करें किसी एटम की एज अ होल वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। ओके, नाउ व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल वी से द बॉडी इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब यही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो क्या होगा? वो आपस में इक्वल होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, देयर आर फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर।
अगर हम बात करें चार्जेज को, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं कैसे? बाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर। हमारे पास थ्री ऐसे मेथड्स हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, सेकेंड चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। थ्री ऐसे मेथड है जिससे हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन स्टेट्स दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो भी लाइक चार्जेज होंगे उनमें रिपल्सन होगा, लाइक अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा। ओके, या ऐसे हम कहें कि अगर निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज पास पास में होंगे तो उनमें आपस में रिपल्सन होगा, बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन होगा। ओके, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो आप कह सकते हो कि लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। नाउ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी।